यमी सी क्रीमी फ्रूट चाट बनकर तैयार है। बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस बनी है विद ब्यूटीफुल कलर्स। इसको लजीज बनाने के लिए ऐसा क्या ऐड किया है? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं क्रीम फ्रूट चाट। यहाँ पर मैंने कुछ फ्रूट्स लिए हैं, इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया। अब इनको कट कर लेंगे। अपनी पसंद का कोई भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं। स्मॉल पीसेस में कट करेंगे, पक्के फल लेंगे, कच्चा कोई भी फल ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पर मेरे पास है रेड स्ट्रॉबेरी, इसको मैंने स्लाइसेस में कट किया है। इससे चाट में खट्टा सा टेक्सचर आएगा। यहाँ पर मैंने एक कैन कॉकटेल का लिया है। मिल्क पैक क्रीम के मैंने दो पैक लिए हैं। इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून शुगर, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर और 1 टेबलस्पून चाट मसाला और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जितनी क्रीम आपको पसंद है आप उसके हिसाब से क्रीम ऐड कर सकते हैं। अब इसको फ्रूट्स में शामिल कर देंगे, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग आपने बहुत अच्छी करनी है। अच्छा सा फ्लेवर लाने के लिए मिक्सिंग जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। फ्रूट्स आपने मौका पर कट करने हैं, अगर आप पहले कट करेंगे तो फ्रूट जो हैं वो ब्लैक हो जाएंगे। अब इसमें शामिल करेंगे कॉकटेल। कॉकटेल आपने हाफ़ शामिल करना है और हाफ़ जो है वो हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे। इससे बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। चाट तैयार है, इसको डिश आउट करते हैं और अच्छा सा इसको गार्निश करेंगे। लुक चेक करें, बहुत ही मज़ेदार सी लुक आई है और खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। स्ट्रॉबेरी स्लाइसेस से इसको हम गार्निश करेंगे, बहुत ही अच्छा सा कलर लाने के लिए। बहुत प्यारी लुक बनेगी, तो इसके भी हम रखेंगे स्ट्रॉबेरी स्लाइसेस। ड्राई फ्रूट्स और कॉकटेल, आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स से भी इसको गार्निश कर सकते हैं टेस्ट को बढ़ाने के लिए। यहाँ पर मैंने कुछ बादाम लिए हैं, बादाम से इसको गार्निश करेंगे और इसको आपने फ्रिज में रखना है और उसके बाद सर्व करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट आप ऐड कर सकते हैं। अब इसकी गार्निशिंग करेंगे कॉकटेल से। इसमें हर तरह का फ्रूट मौजूद होता है तो ये फ्रूट चाट में बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट लेकर आता है। इससे आपको चाट में हर फ्लेवर मिलेगा। मज़ेदार सी चाट बनकर बिल्कुल तैयार है। अभी मेरे पास गार्निशिंग के लिए एक और चीज़ मौजूद है और वो है अनार। अनार से बहुत ही खट्टा सा टेक्सचर आता है और लुक भी अच्छी बनती है, तो यहाँ पर मैंने अनार से भी गार्निशिंग कर दी है। एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए और इन्जॉय कीजिए। अफ्तार पार्टीज़ में भी बना सकते हैं और आप इसको ईद स्पेशल के लिए भी बना सकते हैं। मोर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।